एसपी को बुलाओ। अरे डीसी साहब, ये क्या नाटक है? क्यों क्यों गाड़ी रुकवाए हैं? कोई कोई राजा राजा महाराजा आ रहा है क्या? बट ऐसा मत कर आगे, रुको, क्या कष्ट हो रहा है? पूरा गाड़ी जाने दो। फिरोजपुर रैली के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक। सिक्योरिटी ब्रिज पर एक सीएम, जो कि असम के सीएम है, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने फटकार लगाई थी ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बल्कि सोनिया गांधी को भी, और कहा था कि आप लोगों को भी बाकी राज्यों में रैली करनी है। अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करे, आपकी सिक्योरिटी ब्रिज हो और फिर आपको ही कहा जाए कि आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तो कैसा लगेगा? बीजेपी के दिग्गज नेताओं में एक नेता ऐसे जो बेबाक बोलते हैं, वहीं उनकी बेबाकी कभी छुपती नहीं है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं सीएम शर्मा। जी हां, हेमंत बिस्वा शर्मा अपने अधिकारियों से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं कोई राजा महाराजा थोड़ी हूं, जो तुमने पूरे ट्रैफिक को मेरे लिए रोक रखा है। और साथ ही वो एक तरफ अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं, दूसरी तरफ एक वीडियो जो सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि वो जनता से माफी मांग रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब सत्ता हाथ में आती है तो पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टियां खुद को भगवान समझ लेती हैं, उस जनता को इंसान भी नहीं समझती जिस जनता ने उन्हें अर्श से फर्श पर पहुंचाया और फर्श से अर्श तक पहुंचाया। वेल, ये काफ़ी सराहनीय वीडियो है। इससे एक सीख मिलती है कि अगर आप पॉलिटिकल नेता हैं तो भी आप जनता के सेवक बने रहें तो इसी में बेहतरी है, और यही प्रशंसनीय भी है। वेल, क्या कहना चाहेंगे आप हेमंत बिस्वा के बारे में और ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में जो जनता का भी ख्याल रखते हैं और अपनी बात भी रखते हैं? यह अंदाज अलग है, यह अंदाज बदलाव की तरफ इशारा करता है। और वाकई जहां नेता अपने काफिले के लिए जनता को रुकवा देते हैं, वहीं जनता को पहले जगह देना, जनता को पहले तरजीह देना, ये कोई हेमंत बिस्वा से सीखे। और ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि देश की जितनी भी पार्टियाँ हैं उन सभी के बड़े नेताओं को एक सीख लेनी चाहिए और इस चीज़ से समझना चाहिए कि जनता की इम्पोर्टेंस को जो मुख्यमंत्री, जो मंत्री, जो नेता समझेगा, शायद वही देश पर राज कर पाएगा। और जनता का दिल जीतना बहुत मुश्किल है, कहीं ना कहीं हेमंत बिस्वा इस कृत्य से जनता का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई बहुत अद्भुत वीडियो है। जिस वीडियो में उन्होंने अधिकारियों को इसलिए फटकार लगाई क्योंकि अधिकारियों ने जनता को रोक रखा था। साफ कहा कि मैं कोई महाराजा या राजा नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ और जनता को मेरे लिए परेशानी हो रही है, इस रोकथाम को हटाइए। वेल, क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।